إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا आवाज फिर किसने खराब कर दी है ना يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کے کائنات کے لیے اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے
तो अल्लाह ताला के कलिमात की तादाद इतनी ज्यादा है कि मा सबअत अबहर मा नफिदत कलिमातुल्लाह, सात समुंदर और आ जाए ना तो अल्लाह ताला के कलिमात मुकम्मल नहीं होंगे। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, हर किस्म की हमदो सना अल्लाह के लिए और ला तादाद दुरूदो सलाम मेरे और आपके प्यारे पैगंबर हादिये बरहक रहमत आलम सैयदुल कौनैन जनाबे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुतहर पर, इन सूरज की किरणों से बरकर, रेत के जर्रात से बरकर, बारिश के कतरात से बरकर, करोड़ों से बरकर, खरबों से बरकर, अरबों से बरकर मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुतहर पर दुरूद व सलाम। हज़रात ज़िवकार, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअ, के कौन है के बेकस की पुकार को जब के वो पुकारता है कौन सुनता है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअ, कि जो बेबस होता है, बेकस होता है, जरूरतमंद होता है, वो जब अपनी जरूरत के लिए पुकारता है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सवाल करता है, अपनी बेकसी को दूर करवाने के लिए जब वो पुकारता है, तो कौन है? अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअ, ये अल्लाह ताला पूछ रहा है। कुरान मजीद के अंदर सूरत नमल के अंदर 20वें सिपारे के पहले सफे पर अल्लाह पूछता है, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअ, कि जब तुम बेकस बेबस, कोई समझ नहीं इंसान को आती, जिंदगी में ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं कि इंसान एक ऐसी मुकाम पे आके खड़ा हो जाता है कि वो बेबस हो जाता है, बेकस हो जाता है। अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअ, और फिर उस वक्त जब कोई भी नहीं सुनता, किसको आवाज दे जाके, किसको कहे, सब लोग उसको छोड़ चुके, ना कोई हमसाया सुनता है, ना कोई रिश्तेदार सुन रहा है, ना कोई दोस्त छोड़ता। दोस्तों, बंदे को अपने दोस्त पर तो इत्मार होता है कि दोस्त वो हस्ती होती है जो नहीं छोड़ती, दोस्त ना छोड़ता। लेकिन कहने वाले ने कहा ना कि अखा फेर जान दे कहीं यार बेली, वेला ओखा जदो जिंद ते बने आए। और फिर कहने वाले ने अगे की क्या कहंदा है, खंजर एक वजे पावे लख वजन, खंजर एक वजे पावे लख वजे, मरदा नहीं जे रब्बो न मरे। यार भी छड़ जांदे ने, दोस्त भी छड़ जांदे ने, रिश्तेदार भी छड़ जांदे ने, इर्द गिर्द ते तेरी वावा करन वाले, तेरी तरीफा करन वाले, तेनू चुकन वाले भी छड़ जांदे ने। आखिरकार बचदा की, अपना ही घर,
ते भरा भी छड़ जांदे ने। फिर बंदा की करदा, किधर जावे, की करे? मां बाप कम आ जांदे, लेकिन कदी ऐसा वेला भी आंदा है कि ओ भी बेबस हुंदे ने, ओ भी एदी बेकसी दूर नहीं कर सकते, ओ भी बेबस हुंदे। असी ते वेखने आ ना, असी दुकान ते बैठने आ कि लोग आंदे ने, जदों बच्चे जब मजबूर बेबस हो जाते हैं ना, तो उनकी माएँ सोना बेचने के लिए आ जाती है। और इसी में मेरे जो मामू है ना, उन्होंने एक शेर लिखा है इसी बात को ना, कहते हैं कि अलमास तरे रह जाते हैं, बिकता है तो पत्थर भी बिकता है, अजनास नहीं इस दुनिया में इंसान का मुकद्दर बिकता है, खालिस सजाद सुनार हूं मैं, माजद सुनार हूं मैं, इस गम को खूब समझता हूं, जब बेटा छुपकर रोता है तब माँ का जेवर बिकता। फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि वो उसके पास भी कुछ नहीं तुम्हारा साथ देने के लिए, सारी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी है। अल्लाह कहता है उस वक्त कि जब कोई भी तेरे काम आने के लिए तैयार ही नहीं। ये अल्लाह अपने बंदे से पूछता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दअ, तो उस वक्त कौन तेरी पुकार को सुनता है? वयक्षिफु सू, कौन तेरी दुआओं को कबूल करके ना तेरी सख्ती को दूर करता है? वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, कौन जो तुम्हें इन अंधेरों से निकाल कर, इन तन्हाइयों से निकाल कर जमीन का नायब बना देता है? फरमाया आगे अल्लाह ने क्या पूछा, इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई मबूद है, कोई है? इलाहुम मा अल्लाह, कौन है जिसने तुम्हें सख्ती जब तुम्हें तुम्हारा सारा परिवार छोड़ के चले गया, कुंबे कबीले ने छोड़ दिया, यार बेली ने छोड़ दिया, फिर कौन तुम्हारे काम आता है, तुम्हें तन्हाइयों से कौन निकाल निकाल, फिर तन्हाइयों से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर, वयजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, अल्लाह ताला तुम्हें खिलाफते बख्शता है, कौन तुम्हें बख्शता है खिलाफते? इलाहुम्मा अल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा? कलीलम मा तज़क्कर, अल्लाह आगे क्या कहता है? अल्लाह कहता है कलीलम मा तज़क्करून, कलीलम मा तज़क्करून, थोड़े लोग हैं जो ये बात को समझते हैं, लोग नहीं समझते। जब इंसान की मुसीबत से अल्लाह ताला अपने बंदे को निकाल देता है ना, उसके बाद इंसान क्या करता है? भूल जाता है, भूल जाता है। परेशानी अल्लाह ने दूर की, हमने किसी और के सिरे चढ़ा दी। मुसीबत अल्लाह ने दूर की, हमने किसी और पे डाल दी। गम अल्लाह ने दूर किया, हमने किसी और पे डाल दी। परेशानी से, सख्ती से अल्लाह ने निकाला, हमने किसी और का नाम लगा दिया। औलाद अल्लाह ने दी, नाम जी बुजुर्गों का, परेशानी अल्लाह ने दूर की, नाम फलाक। और हम भी अगर हमारे मुश्किल वक्त में कोई साथ दे दे ना, जब साथ छोड़ जाते, तो हमने कभी ये सोचा नहीं कि इस बंदे को किसने वसीला बनाया, या जो मेरी मुश्किल है किसने दूर करवाई? कभी हमने सोचा? हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मुसीबत तो अल्लाह ने दूर करवाई, और हमारे हाँ तो बहुत बुरा जुर्म किया। उलादे अल्लाह देता है तो नाम क्या रख देते हैं? पीरा दिता,
एक ने नहीं कईयां ने मिल के दिता। ये पता नहीं कितों कंसेप्ट आ गया। पर हाल मुश्किल अल्लाह दूर करता है, हम किसी और पे डाल देते। तो हजरात जीवकार अल्लाह ताला ही बेकसों की बेकसी को दूर करता है। अल्लाह ताला ही सख्ती से निकाल और फिर सख्ती से निकाल के ना आजमाइश से निकाल के मुसीबत से निकाल के गुरबतों से निकाल के परेशानियों टेंशनों से निकाल कर अल्लाह ताला इंसान को जमीन में अपना खलीफा बनाता है। अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह को पुकारा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की तरफ अपने हाथ उठा लेता है, हदीसे पाक क्या है, जो शख्स अल्लाह की तरफ अपने हाथ उठा लेता ना, अल्लाह को शर्म आती है कि उसके हाथ वापस खाली लौटा। हमने तो समझा ही नहीं, ये हाथ हम हर एक के आगे उठा लेंगे, हम ये हाथ हर एक से मांग लेंगे, दर दर की बीक मांग लेंगे, लेकिन जो असल इंसान की मुरादों को पूरी करता है ना, जोलियों को भरता है, हम उससे मांगने के लिए तैयार ही नहीं। हम किस तरफ जा रहे हैं कभी सोचे? और एक दफा पुकारो तो सही, वो तो इस तरह बेकसों की बेकसी को निकालता है। कि आज एक वाकया पड़ा कि एक शख्स था, वो कहता है कि मैं ना दमिश्क से ज़िदानी, पता नहीं इलाका है, मेरे ज़हन में पूरा इसका नाम नहीं आ रहा, वो ना वहाँ अपनी सवारी थी उसके पास खच्चर वाली, तो वहाँ वो ना क्या करता था, सवारी अपनी लेके ना लोगों को किराए के लिए जो ट्रैवलिंग करते हैं जी, सवारी लेके जाया करता था, सीधा सीधा सवारी लेके जाया करता था। जारी गल चला वो खच्चर वाली गाड़ी। कहते एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे साथ ना एक बंदे ने मुझसे कहा कि मेरी गाड़ी करवा ली, उसकी सवारी थी, तो उसने कहा कि मुझे ना, मैं उसके साथ जा रहा था दमिश्क से, रास्ते में ना दो रास्ते आते थे, एक रास्ते से मैं जाया करता था, दूसरे रास्ते का मुझे पता ही नहीं था। कहता उसने मुझे कहा कि ये दूसरे रास्ते की तरफ डाल। कहा मुझे तो दूसरे रास्ते का पता ही नहीं। कर नहीं, मन्नू पता है, बड़ा सीधा सदा सामने से है, शॉर्टकट है, यहां से चलो। कहा मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं। कहता मुझे इलम है, आप इस तरह। कहता मैंने उसकी बात सुनी और मैंने इस रास्ते में डाल। कहता मैं जा रहा हूं तो आगे जाके देखा कि मुझे वहां खोपरियां ही खोपरियां नजर आना शुरू हो गई। अजीबो गरीब खतरनाक खौफनाक लको दक बियाबां रास्ता, वहां जाके कहता मैं घबरा गया, घबरा गया है भी कल्ले बंदे से ना, रास्ता भी और। कहा उसने कहा यहाँ रोक तो सवारी। कहा मैंने सवारी रोक दी। कहता है वो सवारी से उतरा, उसने अपने कपड़े सीधे किए और उसने छुरी निकाली। कहता उसने छुरी निकाल के मेरी तरफ वार किया तो मैंने उसका बड़ा तड़ला डाला। मुन कुछ ना कही, मुनु ना मारी। कहा कि मैंने कहा कि ये मेरी ले लो सवारी, खच्चर भी ले लो, जो मेरे पास है सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहा उसने कहा तेरा कत्ल तो करने ही करने, खच्चर भी मेरा हो चुका, सवारी भी मेरी हो चुकी, सब कुछ तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तुम्हें मैंने ऐसे नहीं जाने दे, तुम्हें मैंने मार के जाने दे। कहा मैंने कहा कि मैंने उसका बड़ा तड़ला डाला कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ ना कुछ। उसने कहा ना, तेरी मौत तो पक्की है। कहा मैंने कहा फिर एक चीज, मुझे ना दो रकत नमाज पढ़ने, दो रकत नमाज पढ़ लेने दो, फिर तुम मुझे मार देना। कहते मैंने बड़ा तड़ला डाला, बड़ा तड़ला डाला। कहा उसने कहा चलो ठीक है। उसने दो रकत नमाज के लिए जब मुझे इजाजत दी ना, तो कहते हैं मैंने दो नफर नमाज रकत शुरू की, लेकिन मुझसे कुछ पढ़ा ही ना जाए। कैसे पढ़ा जाता कि पीछे की तरफ से वो शोर डाल रहा था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो कहा उसका इतना प्रेशर था, इतना मुझ पर प्रेशर कि मैंने
कोई समय नहीं आई, मैं कोई सूरत कोई चीज मुझसे परी नहीं गई, सिर्फ मेरे एक आयत अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाल दी इस वक्त। कहा मैंने कहा अम्मा युजीबुल मुज़्तर इज़ादा व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलाफा अल अर्ज। कौन है जो बेकसौकी बेकसी दूर करता है? कहा उस वक्त कौन था मेरा सहारा? मौत मेरे सर पर थी, मैं क्या करता? मैंने कहा अम्मा युजीबुल मुज़्तर इज़ादा, कौन है अल्लाह, कौन है तेरे सिवा इलाहुम्मा, जब मुझ बेकस की बेकसी को दूर करे। कहा अभी मैंने सलाम नहीं फेरा, मेरे सलाम फेरने से पहले पहले एक घोड़ सवार निकला जंगल से, उसने आके उस शख्स को कत्ल कर दिया। कहा मैंने उसे रोक लिया। कहा वो वापस जाने की तरफ जा रहा था, मैंने कहा नहीं, मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ तुम कौन हो? उसने कहा जिसको तूने पुकारा ना, मैं उसका भेजा हुआ बंदा। इस तरह अल्लाह ताला अपने बंदे की गैबी मदद फरमाते हैं। लेकिन बात है ईमान की, बात है कामिल ईमान यकीन की, बात है तवक्कल अल्लाह की, बात है अल्लाह से दुआ मांग के भी हम शको शुबा में रहते हैं, पता नहीं दुआ कबूल होनी है कि नहीं, पता नहीं होनी है कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ऐसी दुआ करता है ना कि जिसे अपनी दुआ पे भी कामिल यकीन नहीं है, उसकी दुआ नहीं कबूल होती। जब दुआ करो तो उस पे कामिल यकीन रखो, इंशाल्लाह मैंने कह दिया होगी है। वो तो तीन सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ना, हमारी तो दुआएं उल्टी होती, हम तो दुआएं वो मांगते हैं जो हमारे लिए वाकई नुकसानदेह होती। अल्लाह तो जानता है ना इसके हक में क्या बेहतर है। वो कुल्लु अम्र मुस्तकिर, हर एक चीज का वक्त मुकर्रर। अल्लाह कुरान में कहता है हमारी दुआएं और तरह की होती हैं, हमने तो सिर्फ अल्लाह ताला से ना दुनिया ही मांगी, हमने तो कभी ये दुआ नहीं की। बहुत कम लोग हैं शायद जो ये दुआ करते हैं कि रब्बा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, जिसमें दुनिया भी है और आखिरत भी है। हमने तो सिर्फ अल्लाह से मांगी दुनिया, और वो दुनिया अल्लाह कहता है मुझे तो पसंद ही नहीं है, मेरे नज़दीक तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, मैं तो मक्खी के मच्छर के पर के बराबर भी नहीं गिनता। अर्शों का मालिक, अर्श अजीम का मालिक, आसमानों जमीनों का मालिक, सूरज चांद सितारों का मालिक कहते हैं इतना सा मच्छर है ना जो उसके पर के जितनी भी अहमियत नहीं है। हमारी दुआएं पता नहीं कैसी हैं। हजरत दीवर का अल्लाह ने फरमाया तीन दुआएं मांगना, तीन चीजों को देन रखे, तीन सूरत में दुआ कबूल होती है। या तो अल्लाह ताला फौरन इंसान की दुआ कबूल कर लेते हैं, और या अल्लाह ताला उसकी दुआ का एक वक्त मुकर्रर होता है, उस दुआ के जरिए से अल्लाह ताला ना उसकी मुसीबत दूर कर देते। उसे क्या पता कि खुदा ना खास्ता उसके घर पे कोई मुसीबत या कोई परेशानी आन पहुंचनी, तो उसकी जो दुआ होती है अल्लाह कहता है ऐ तेनु मिल ही जाना है, इस दुआ के बदले अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को दूर कर दे, मुसीबत को दूर कर दे। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन होगा, असि कहना अल्लाह सारी दुआ कबूल ही नहीं कर, अल्लाह सारी दुआ सुनदा ही नहीं। फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हाँ जब पेश किया जाएगा तो नेकियों के ना पहाड़ ही पहाड़। अल्लाह ऐ नेकियां तो मैं कीतियां नहीं ते एडे पहाड़ कितों आ गए? अल्लाह कहेगा वो जो दुआ तुम्हारी नहीं थी ना कबूल हुई, जो कहना सा अल्लाह तो मेरी सुनदा ही नहीं, अल्लाह ने तो मेरी दुआ कबूल की नहीं, ऐ ओ दुआवा नहीं, अल्लाह को की हुई दुआ ना कबूल हो, कख ना मिले कि तुम हाथ अल्लाह के आगे उठा दो। एक बादशाह दुनिया के आगे हाथ उठाते हो, कभी मिल जाए कभी ना मिले, लेकिन कायनात के बादशाह के आगे हाथ उठा रहे हो और वो हाथ खाली भेज, ये कैसे मुमकिन है? ये तो फिर तुम्हारा ईमान नामुकम्मल है। अल्लाह फरमाया तीन सूरतें ऐसी हैं, तीसरी सूरत क्या है कि इतने नेकियों के बाद
अल्लाह ऐत में कीते ने फरमाया ओ दुआ है चेरी तेरी नहीं सी कबूल होंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान कहेगा अल्लाह काश कि मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल होती ना। इतनी असल फायदा तो वो है ना, हम तो जरा सी मुसीबत में हम कहते हैं हमने तो अल्लाह से मांगना ही नहीं, अल्लाह से मांगे। और मैं एक मेरे उस्ताद जिन्होंने सिर्फ उनको अपना वक्त सारा अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने मगरबी कल्चर में गुजार दिया। एक दिन ना उन्होंने जब भी मुझे फोन किया परेशानी मुसीबत में, जाहिर बात है आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जरा सी बात है परेशानी, लेकिन उनको शायद कोई अल्लाह वाला मिला नहीं था। जब मिला तो कट्टर तौहीद परस मिल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मिला, हलवे वाला तो मिला नहीं। तो उन्होंने जब भी मुझे सवाल पूछा मैंने कहा अल्लाह, जब भी फोन किया रात के टाइम पूछा मैं किस वजह से परेशान, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या अल्लाह को, जब है ही अल्लाह तो फिर क्यों किसी को गए। एक दिन ना उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि ये 14 अगस्त की बात है, हम जा रहे थे एक प्रोग्राम पे तो साथ एक और स्टूडेंट था, कहते हैं कि आज तो बात सुन ले माजल, मैंने आज के बाद ना अपनी अंग्रेजी जबान उनको उर्दू आती नहीं है, कहते मैंने आज के बाद कोई दुआ नहीं कबूल, कोई दुआ नहीं करनी, कोई नमाज नहीं पढ़नी, तुम उन कहना रहना कभी मेरी दुआ कबूल हुई नहीं, मैं नहीं कोई दुआ कर। मैं वो साथ वाला बंदा बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसी अल्लाह ताला के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इजी मैंने कहा उन बात सुनाई। तो फिर मैंने उनको ना एक बात सुनाई, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि वो आपका ये साहब है कि मौलवी साहब ना मस्जिद में कहते थे कि एक बंदा था उसके पास ना काफ़ी मज्जे वगैरह थी, गायें वगैरह थी, ज़मीन वगैरह थी, तो मौलवी ने कहा यार नमाज पढ़िया कर अल्लाह तेरे माल च अदाफा करेगा। उन्हें क्या अच्छा, उन्हें कहा चलो ठीक है ऐदा, मतलब सानू लालच ही है ना, जाहरी गल है कहने साडा आखरत दा लालच नहीं दुनिया दा लालच। उन्हें नमाज शुरू की फजर दी, फजर की नमाज पढ़ी है तो उसकी ओदी एक मज मर गई। उन्हें कहा मौलाना नमाज मैं पढ़ी है तो मेरी मज गई है, वह मौलवी के दुआले हो गए। मौलवी ने कहा सबर कर, सबर कर, अभी तो इम्तिहान स्टार्ट हुआ, अल्लाह के रास्ते में है। उसने कहा ठीक है जोर तक सबर कर ले, जोर की नमाज पढ़ी है ते दूजी मज मर। कहा मौलवी साहब है की तरीका है, नाले कहते नमाज पढ़े तो नाले सड़िया मज्जा बदन दी ज्यादा, मैं कहा सी मेरी मज्जा च इजाफा होएगा ते मेरिया मज्जा मर दिया भाई। मौलवी ने कहा आजमाइश आती है, ट्रायल्स आते हैं इंसान, अजमाइशें तो आती रहती हैं, तो ये अल्लाह की अजमाइश है, तुम अल्लाह के रस्ते में आओ तुम पे अजमाइश। ओके अजमाइश असर की नमाज पढ़ी तो तीजी मज मर गई। उन्हें क्या मिलना की होंगे, उन्हें फिर भी कोरा कोट कर कहना मगरब की नमाज पढ़ी, मगरब की नमाज पढ़ी तो चार मजा मर गया। तो कोल ना कट्टा रोंदा पाया, चुप कर जा तू सिर्फ दो नफल दी मार, सर दे भी कहके लगे तो उदे भी लगे। तो फिर मैं दसिया साडा तो एहसाब है ना ये जो लतीफा बना हुआ, तो हम कहते हैं मता नसरो, उस वक्त मेरे जहन में कुरान मजीद की आयत थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मता नसरो अल्लाह ताला से जब सहाबा इकराम पे जुल्म हुआ, हम पे तो जुल्म ही नहीं ना हुआ, हमें तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, हमने तो अपनी जानों पर खुद जुल्म किए। अल्लाह कहते सहाबा ने कहा ना जब इतनी मुसीबतें परेशानी घरों से बेघर कर दिया, बच्चे छीन लिए, तो कहा मता नसरुल्लाह, कुरान की आयत सूरत अल बकरा, अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद ही नहीं आ रही, हम परेशानी के अंदर मुसीबतों के अंदर, हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, काफर हम पे जुल्म कर रहे हैं, आज फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, उनके हसम ताला पे हमले कर दिए, हजारों की तादाद में बच्चों की लाशें और माँ की वीडियो देखी जो अपने खावंद और अपने बच्चों से आखिरी मुलाकात कर रही है, एक शख्स के सारे घर वाले मर चुके, छोटे छोटे बच्चों के जनाजे देखे, बाप और बेटे की लाशें इकट्ठी देखी, मता नसरुल्लाह, सारे हुक्मरान खामोश बैठे हैं, कोई नहीं कहता कि हम इनको उड़ा दें, मता नसरुल्लाह, क्यों नहीं फलस्तीनियों की मदद आ रही, क्यों नहीं हमारी मुसीबत में अल्लाह ताला हमें निकालता,
सहाबा इकराम पे भी बड़ा जुल्म हुआ और वो चिल्ला उठे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ने क्या कहा, कहा अला इन्ना नसरल्लाह करीब, बहुत करीब है अल्लाह की मदद और अन करीब अल्लाह की मदद आएगी। और जब अल्लाह की मदद आएगी तो फिर अल्लाह का नाम ही गालिब आएगा। अल्लाह ऐसे लोगों को गर्क करके रख देगा, इबरत का निशान बना के रख देगा। कौमे शुएब थी ना कि जिनके सबसे ऊंचे ऊंचे कद तकब्बुर वाले ऊंची ऊंची इमारतों वाले मजबूत तरीन कौम जो गुजरी है ना वो कौमे शुएब थी। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला के साथ जंग लड़ी ना तो फिर अल्लाह ताला ने उनके बड़े बड़े जिस्मों को पटक पटक के मारा। हवा ऐसी चलाई कि जिसमें फटक फटक के मर गए, तबाह कर दिया अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला की मदद आएगी तो फिर फरमाया अला इन्ना नसरल्लाह करीब, बहुत ही करीब है अल्लाह ताला। और रातें ज़िबकार अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह ही है जो परेशानियों को दूर करता है, गमों को दूर करता है। फिर अल्लाह ताला ने उस बंदे का ऐसा ज़हन बदला कि उस दिन एक दिन मुझे फोन किया, वो कहता है कि मैं इतना पक्का था और हमने खुद देखा कि हमें वहां मस्जिद थी ना जहां हम नमाज पढ़ा करते थे, तो उसने कभी मेरे पीछे नमाज नहीं थी पढ़ी। हालांकि मसले मुझसे पूछे थे, जब मैं नमाज का टाइम होना उसने अपनी नमाज पढ़ ली, क्योंकि उसका दिल नहीं था करता कि इनके पीछे नमाज पढ़ूं। तो दिल अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बंदे ने मुझे रात को फोन किया, कहता कि मैं परा कभी मैं किसी से मांगता था, कभी किसी के मांगता था, लेकिन मैंने जब भी तुम्हें फोन किया तो मैंने तुमसे एक ही बात ली कि जब मैंने तुम्हें पूछा तो तुमने कहा अल्लाह। मैंने कहा है ही अल्लाह, जब है ही अल्लाह, जब अल्लाह है तो फिर किसी चीज की कौन सी टेंशन है। तो कहा मैं आज के बाद मेरा पक्का अकीदा है कि मैं कभी किसी ऐसी जगह से नहीं जाके मांगूंगा, कभी अल्लाह के सिवा नहीं मांगूंगा। मैंने अपने अकीदे को बदल दिया। दोस्तों आप अपने अकीदे को बदलें, तब्दील करें। अकीदे को बदलना क्या है कि शिर्क को बिदअत ना करें, किसी से ना मांगें, अल्लाह ताला से मांगे। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। हम क्या करते हैं कि हम पे मुसीबत या परेशानी आती है ना, या कई लोग ज़ाहरी बात है बेबस है, मजबूर है कि जब उनके घरवा उनके घर औलाद नहीं होती तो फिर उनको गलत गाइड किया जाता है कि नहीं जी फलां जो मज़ार है ना उस पर लाद में एक चक्कर लगा लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर क्या फायदा जब आपने अल्लाह पे अल्लाह के घर पे एतमाद नहीं किया। हम तो आपको कहते हैं कि एक कमरे के अंदर अपने को अपने आप को ला करो, तहज्जुद का वक्त निकालो, अल्लाह से हाथ उठाओ, ये भी ना करो जिस टाइम मर्जी अल्लाह से दुआ मांगो ना, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है जिस टाइम मर्जी मांगते हैं। जो नसीबों में होता है वो मिलता है, जो नसीबों में नहीं है वो नहीं मिलता। इंसान ने कद्र अल्लाह व मा शा फअल, इस बात पर अपना अकीदा बना लो कि जो अल्लाह ने चाहा वो किया। अल्लाह ताला ही इंसान को औलाद देता है, अल्लाह ताला परेशानी को दूर करता है। जरा सी परेशानी या बीमारी आती है हम पूरे पाकिस्तान की कब्रों पे चक्कर लगाते हैं, कभी अल्लाह के पास नहीं गए। एक दफा अल्लाह के पास आओ तो सही, हम कहते हैं नहीं अल्लाह से नहीं मिलेगा, फलां जाके ना फूको वाली सरकार से हम दम कराएंगे ना छूछू वाला तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने ठीक कर दिया, हमारी बीमारी कौन नहीं दूर करेगा, अल्लाह नहीं दूर करेगा। बाम सांप पे जाके हम बोकर फेरेंगे तो हमारा मौका दूर होगा, अल्लाह नहीं दूर करेगा। वो अल्लाह तो परेशानियों को दूर करता है, गमों को दूर करता है। अभी वाकई बड़े पने हैं लेकिन हमारा टाइम ओवर हो चुका है, वो इंशाल्लाह अगले खुतबे में इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। लेकिन अल्लाह 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 से मांगे, यही तो हमारा इम्तिहान है, नहीं हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि मुसीबत परेशानी बीमारी बीमारी बहुत बुरी चीज, बीमारी और औलाद ये दो चीजें ऐसी हैं कि इसकी वजह से इंसान बेचारा वाकई मजबूर हो जाता है। लेकिन यही तो वक्त है अल्लाह को पुकारने का। अभी एक शेख आतिफ साहब जो बड़े बयान करते हैं तो उन्होंने अपना वाकया भी सुनाया थोड़े दिन पहले सियालकोट में, तकिए कि कहता है 14 साल मेरे घर कोई औलाद नहीं, ये उसको पता है अगर यहाँ अल्लाह सबको मेरे अल्लाह से दुआ है खुद पे जुमे के अंदर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद दे, और हम में से जितने बैठे हैं जिनके पास औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, जिनको बेटों की जरूरत है अल्लाह ताला उनको बेटे अता फरमाए, अल्लाह सबको नेक साले औलाद अता, हमारे हमारी बहनों में से जिन्होंने हमें अक्सर दुआओं के लिए कहा है अल्लाह ताला सबको नेक साले औलाद अता फरमाए।
कहता है जिसके पास औलाद नहीं ना होती ये उसको पता होता है इस चीज का जख्म और दर्द जिसके पास औलाद नहीं होती। कहा 14 साल गुजर गए लेकिन 14 साल के अंदर मैं कभी किसी कब्र पे या किसी के पास नहीं गया अल्लाह के सिवा। तो कहता आज 14 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। कि जब लोग कहते हैं कि ऐसे कार्य तो कुछ होना ही नहीं है पक्का पक्का फैसला कर था हजरत दीवकार ये अल्लाह की देन है। यहाँ बोले मैं यशाओ इनासा यहाँ बोले मैं यशाओ जुकूर मैं यशाओ अकीम अल्लाह से मांगे अल्लाह से मांगे मुश्किल है परेशानी है उठते बैठते सहाबा कराम एक फूट के तस्मे को भी अल्लाह से मांगा करते थे। अपने गोरे की लगाम भी किसी को नहीं तो कहते पकड़ाओ वो भी अल्लाह से मांगते थे। तो इस तरह का अपना अकीदा बनाएं अल्लाह ताला आप के जहन से जो गम फिक्र खौफ सब कुछ दूर कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।